हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जॉन बी वॉटसन, या जिसे हम द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। सो आज की टॉपिक में हम जॉन बी वॉटसन की फुल डिटेल से लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जो कि 9 जनवरी 1878 में साउथ कैरोलिना में पैदा हुए। जब वॉटसन 13 साल का था तो उसके फादर ने उसको छोड़ दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी लाइफ को गुर्बत और पॉवर्टी यानी आइसोलेशन में गुजारे। इस चीज ने वॉटसन की जिंदगी पे एक बहुत बड़ा असर रखा और उसकी जिंदगी को एक सख्त जान बना दिया। वॉटसन ने इस चीज का तहिया किया कि मैं अपनी जिंदगी को अकेला ही जीऊंगा और अपने फादर के बगैर जीऊंगा। जब वॉटसन 16 ईयर का हुआ तो उसने जो है खुद को फर्मन यूनिवर्सिटी में जो है एनरोल किया और वहां से तकरीबन 5 साल के बाद उसने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो है मूव ऑन हो गया और वहां से फिलॉसफी और साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1903 में वॉटसन ने जो है फिलॉसफी की डिग्री को छोड़ते हुए उसने साइकोलॉजी की डिग्री में पीएचडी हासिल की और 1908 में उसने जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में एज अ टीचिंग के शोबे को ज्वाइन किया, जहां पे उसने एक्सपेरिमेंटल और कंपैरेटिव साइकोलॉजी पे लेक्चर दिए और वहां पे साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे। इसी दौरान वॉटसन के माइंड में साइकोलॉजी को लेके कुछ आइडियाज चल रहे थे, जिसने साइकोलॉजी की बाद में एक न्यू ब्रांच बना दी जिसे हम बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं। जॉन बी वॉटसन आइवन पावलोव से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए उसने फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर और चिल्ड्रंस के बिहेवियर को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। वॉटसन का मानना था कि चिल्ड्रन का बिहेवियर और एनिमल का बिहेवियर, इन दोनों का बिहेवियर तकरीबन सेम होता है, लेकिन ये सिंपल होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन पे उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से इनके माइंड की वायरिंग हुई होती है, और ये माइंड वायरिंग उनके नर्व पाथवे पे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के दौरान होती है। 1913 में वॉटसन ने कोलंबियन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पे एक लेक्चर दिया जिसे साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है उसने 3 चीजों को क्लियर किया। नंबर 1 पे उसने ये चीज क्लियर की कि साइकोलॉजी हमें, हम जितनी भी रिसर्चेस करते हैं वो हम रिसर्चेस इंट्रोस्पेक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, जिसे हम बिहेवियर को जानेंगे। और साथ में उसने ये चीज भी बताई कि बिहेवियर कॉन्शियसनेस से एक बिल्कुल हटके चीज है। जॉन बी वॉटसन ने ना सिर्फ बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि उसने इस चीज को भी बताया कि हम किसी भी बिहेवियर को उसके एक्शन के मुताबिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट करने के साथ साथ हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जॉन बी वॉटसन जो है सिगमंड फ्राइड के एक व्यू, जिसे हम पहले स्ट्रक्चरल आइडियाज के नाम से भी जानते हैं, उसको टोटली डिसएग्री कर दिया, क्योंकि उस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे बिहेवियर के कुछ पार्ट होते हैं वो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल से होते हैं, यानी हमारे फॉरफादर से आते हैं। तो वॉटसन इस चीज से टोटली डिसएग्री था। बाद में वॉटसन के इस लेक्चर को साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक नए नाम से जाना गया, जिसे बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। वॉटसन ने अपनी जिंदगी के जो लास्ट 5 ईयर थे वो तकरीबन अकेलेपन में गुजारे, क्योंकि उसके काम की वजह से उसका जो रिलेशन उसके अपने बच्चों से था वो तकरीबन खराब हो चुका था। अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम से कुछ कबल वॉटसन ने अपने बहुत सारे लेटर्स और अनपब्लिश्ड पेपर्स को जो है जलाकर राख कर दिया, और इसकी वजह आज तक नहीं मालूम हो सकी, और ये वजह शायद वॉटसन के साथ ही चली गई। आखिरकार अपनी लाइफ को आखिरी आयाम तक पहुंचाते हुए वॉटसन जो है 25 सितंबर 1958 में इस दुनिया से चल बसे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।